पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज देश के मतदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बीजेपी सरकार के पिछले 5 वर्षों का हिसाब मांग रहे हैं और उसका हिसाब भी मांग रहे हैं। जो वायदे उन्होंने किए थे उनको पूरा क्यों नहीं किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री व राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज देश के मतदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बीजेपी सरकार से पिछले 5 सालों का हिसाब मांग रहे हैं और उसका हिसाब भी मांग रहे हैं जो वायदे उन्होंने पिछले चुनावों में किए थे। आनंद शर्मा ने कहा कि आज खासतौर पर नौजवानों में निराशा है और आज बेरोजगारी अपने निचले स्तर पर चली गई है। शर्मा ने धर्मशाला के दाड़ी में कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल के लिए आयोजित रैली के बाद पत्रकारों से बातचीत की। कांग्रेस नेता ने कहा कि नए आंकड़ों के अनुसार 50 सालों में आज तक ऐसी बेरोजगारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 10 करोड़ रोजगार का वायदा किया था जो कि आज तक पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने किसानों से किया वायदा भी नहीं निभाया और किसानों को 1.5 गुना MSP भी नहीं मिला। आनंद शर्मा ने आरोप लगाया कि मोदी राज में आज देश की हर संस्था चरमरा गई है और अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ा गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने दल की चिंता करें। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम शर्मा पर दिए गए बयान पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और वह चारों लोकसभा सीटें जीतेगी। कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी द्वारा अभिनेता अक्षय कुमार को दिए गए इंटरव्यू को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी एक बहुत बड़े एक्टर हैं। उन्होंने GST और नोटबंदी को लेकर भी मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। पहली बात तो देश के मतदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और बीजेपी की सरकार से 5 साल पहले किए हुए वायदों का हिसाब मांग रहे हैं और ये जवाब भी मांग रहे हैं कि जो उन्होंने कहा था वो पूरा क्यों नहीं किया। ख़ास तौर पे नौजवानों का निराशा है, देश में बेरोजगारी जो है, अब जो नए आंकड़े सामने हैं पिछले 50 साल में इतनी बेकारी नहीं हुई, 8% से ऊपर चली गई है। 2 करोड़ का वायदा जो था, 10 करोड़ रोजगार तो नहीं पैदा हुआ पर करोड़ों रोजगार टूटे हैं। उसके साथ साथ किसान को बड़ी चोट पहुंची है। किसान को भी जो कहा था फसल की जो लागत है उसकी 1.5 गुना MSP मिलने का, वो नहीं मिली। देश में हर संस्था चरमरा गई है और अर्थव्यवस्था बावजूद प्रधानमंत्री के दावों के मजबूत नहीं है। इसलिए जो वातावरण है देश में वो परिवर्तन का है। इसमें चाहे वो कोई भी राज्य हो, दक्षिण में तो चुनाव हो चुका है, बीजेपी का वहाँ पे वजूद नहीं है पूरे दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में बीजेपी को कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और जो हिंदी भाषी जो पश्चिम और मध्य भारत है वहाँ भी चाहे अभी हाल में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीती है। मैं इस बात को जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं लोगों की भावनाओं को उभारने का, उससे खिलवाड़ करने का, ताकि केवल भावुक होकर लोग इनको वोट दे दें, मतदाता समझदार है। कांग्रेस के पक्ष में समर्थन बहुत बड़ा है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में प्रचार किया है, प्रियंका गांधी जी ने प्रचार किया, उससे असर हुआ है। पर हमारे जो मेरे सहयोगी हैं कांग्रेस के और वरिष्ठ नेता हर राज्य में लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। देखिए, उनके पास तो सबसे बड़े अभिनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में हैं। अब उन्होंने अभी एक अभिनेता ने उनका इंटरव्यू लिया है अक्षय कुमार ने, वो स्वयं घबरा गए कि नरेंद्र मोदी जी तो उससे भी बड़े अदाकार हैं। अक्षय कुमार को जो इंटरव्यू दिया था, नहीं तो उसमें क्या, उस इंटरव्यू में कोई गहराई थी? प्रधानमंत्री जी, हम ये नहीं सुनना चाहते देश के लोग कि आपने बूट कैसे साफ किया और जूता कैसे साफ किया और आपने आम कैसे खाए। देश के लोग हिसाब मांग रहे हैं, आपने जो वायदे किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए और अपने गलत फैसलों से जो रोजगार था भी इस देश में, 2 गलत फैसलों से करोड़ों रोजगार टूटा, चाहे वो नोटबंदी का फैसला था या एक गलत GST को थोपने का था। चारों सीटों को जीतने के लिए कितने आश्वस्त हैं सर? जब देश में परिवर्तन की लहर है, हिमाचल भी उससे जुड़ेगा। कांग्रेस पार्टी मजबूत है और हमारे जो उम्मीदवार हैं वो भी सशक्त हैं। कांग्रेस पार्टी एकजुट है, हमारे अंदर एकता है और हम इस बार पूरे हौसले और ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन विपक्ष तो यही कहता है कि एकजुटता में कहीं ना कहीं कमी है, अभी भी एकजुट नहीं हो पाई कांग्रेस? भाई वो प्रमाण पत्र देंगे या हम कह रहे हैं
जब एक मंच पे वीरभद्र सिंह जी और मैं स्वयं हैं और हर जगह चारों जगह जहां हमारे नॉमिनेशंस हुए हैं, नामांकन पत्र हुए हैं, वहां मैं स्वयं रहा हूं, तमाम नेतृत्व रहा है, तो उससे आगे क्या एकता होती है? अब एकता उनके घर में जाके बतानी पड़ेगी हमको।